भारत सरकार के द्वारा भारत स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और जनवरी 2019 को हर गांव में कूड़ादान भेजा गया है। उसमें से एक धर्मदासपुर भी है जो आयराया ब्लॉक में है और यहां जनवरी से लेकर अभी तक विद्यालय के एक कमरे में सजा कर रखे हुए थे कूड़ादान, जहां विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सम्मान देवी ने कमरे से बाहर निकलाकर बाहर रखा दिया। तब गांव वालों को पता चला कि गांव में कूड़ादान भी लगना था और तभी मीडिया के लोगों को फोन कर बताया गया कि हमारे गांव के प्रधान श्यामलाल इस तरह से गांव को स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इस विद्यालय की ऐसी स्थिति है कि नहीं बवनगी है और नहीं कोई सही शौचालय, किचन के बगल में ढेर सारी गंदगी जिसको देखने के बाद खाना खाने की तो बात ही न करें और जो खा कर गए होंगे वे भी बाहर हो जाएगा। और जब गांव के लोगों से बातचीत की तो बताया कि प्रधान कुछ नहीं विकास कराते। और आप लोगों को बताते चलें कि जब हम विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सम्मान देवी से पूछा तो बताया कि कई बार कहा है कि दीवार बनवा दीजिए लेकिन नहीं सुनते। इस गांव के लोग विद्यालय में जानवरों को बांध जाते हैं और अंदर गंदगी भी करते हैं। और बड़े मजे की बात तो यह है कि प्रधान को ये भी नहीं पता कि कूड़ादान भी मुझे लगवाने हैं और गाँव के लिए कितने कूड़ादान आए हैं। और गाँव में सफाई कर्मचारी संतोष है लेकिन वह भी प्रधान को महीने में देता है तो सफाई कहाँ करेगा। और जब सफाई कर्मचारी से बात की गई तो वह कह रहा है कि आते तो है। आइए आप लोगों को सुनाते हैं जिम्मेदार लोगों की जुबानी। एमपी यूजकास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन सुमित की श्रवानी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। मैडम जी ये बताइए, ये विद्यालय में गंदगी बहुत देख रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसे एक बाउंड्री ना होने के कारण, अगर बाउंड्री हो जाए तो सारी समस्या कभी आप लोगों ने जो है प्रधान जी से शिकायत किया? प्रधान जी से साहब बार बार शिकायत करते, हमेशा शिकायत करते, मोबाइल से क्या कहते हैं, बुलवाते हैं तो आते नहीं है। बस यही सर कि प्रधान जी जो है बाउंड्री करवा दीजिए तो हमारे स्कूल से हो जाए, सुरक्षित हो जाए, जानवर आ जाते हैं वहाँ ना पाए। प्रधान जी कह रहे हैं यहाँ जानवरों को गांव वाले बांध जाते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ बांध जाते हैं सर, अब अगर हम बोलते हैं तो लड़ाई करते हैं, उनका से काम लड़ाई करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ जो शौच क्रिया के लिए जो लेटरिन बाथरूम है वो टूटे हुए हैं, वो यहाँ के गाँव वाले जो है ना, देखो ये पत्तियाँ भी टूटी हैं जी, दरवाजा तोड़ के उठा रहे हैं लोहे का लगा था, उसमें पता चला तो पूछा गया ये वो, मैं कह रहा हूँ स्कूल जी जी। भाई साहब ये बताइए, ये धर्मदासपुर है, जानकारी मिल रही कि आप सफाई कर्मी हैं? सफाई कर्मी हैं। और कहाँ कहाँ आपकी ड्यूटी है? धर्मदासपुर ग्राम पंचायत धर्मदासपुर। तो एक चीज ये बताएं कि ये विद्यालय में इतनी गंदगी है, यहाँ क्या कभी साफ सफाई नहीं होती? नहीं साफ सफाई होती है, मतलब सब कुछ करते हैं, मतलब होता है, यहाँ पे गाय भी आ जाती है, गोबर भी फेंकना पड़ जाता है जी, और दो तीन घंटा लग जाता है गोबर फेंकने में जी, और गांव का भी फेंक नहीं पाता उठेगा नहीं। देख रहे हैं कि यहाँ जो है बच्चों की भी लाइटिंग पड़ी हुई है। हाँ, बच्चों की भी लाइटिंग, जानवरों की भी पड़ी हुई है। करता हूँ सफाई, साफ कर देता हूँ, और अगल बगल भी लाइटिंग पड़ा रहता है उसको भी फेंक लेता हूँ, और गंदगी बहुत करते हैं यहाँ पे गाँव विद्यालय के अंदर। तो कितने दिन में यहाँ विद्यालय में सफाई करते हैं? सफाई होता है रोटी के साथ। तो अभी तो गंदा पूरा पड़ा हुआ है, है? पूरी अभी गंदगी पड़ी हुई है, विद्यालय बंद होने का समय आ गया, पूरी गंदगी पड़ी है। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जी जी, मैं डेली छोड़ने आता हूँ जी, और मैं देखता हूँ विद्यालय में
की गेट बना हुआ है जहाँ पे हमारे बच्चे बैठते हैं और पढ़ते हैं जी, उस जगह मैं देखा हूँ कि लैट्रिन इतनी बुरी बेदर्दी से लैट्रिन किया गया है जिसका कि कोई जवाब नहीं। देख करके बच्चे उस दिन किचन के अधिकारी जितने कर्मचारी किचन में प्रसन्निया थे सबको मना कर दिया गया कि आज ताई खाना मत बनाना, हम खाना नहीं खाएंगे इसलिए कि हमारा जी मचला रहा। ये बताइए प्रधान जी, देखा जा रहा है कि यहाँ जो है बहुत गंदगी है विद्यालय के अंदर, जिसमें कि गधे भी लैट्रिन किए हुए हैं और बच्चों की भी लैट्रिन पड़ी हुई है, लैट्रिन देख रहे हैं वो ध्वस्त पड़ी है, क्या इस पर आपने कभी निगाह डाली? ये बताइए यहाँ की विद्यालय की बाउंड्री भी गिरी हुई है, ये आपके लैट्रिन के बगल से और एक चीज ये बताइए, किचन है, किचन के पास किचन के बगल में लैट्रिन पड़ी हुई है, क्या यहाँ सफाई कर्मी नहीं आप भेजते? सफाई कर्मी तो आता है सर, शायद आता है, तो ये बताइए ये डस्टबिन कब लगवाएंगे आप? आज लगवाएंगे। अच्छा, कितने डस्टबिन आए हैं? 25 आए हैं। यहाँ तो देख रहे हैं कि 19 डस्टबिन है। अरे रखो, कोई लगा है ना? अच्छा, नहीं डस्टबिन है लगा उधर किचन के पास। आए 25 हैं, 5 नहीं आए अभी, 20 आ गए।